हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज हम लोग द पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव का अध्ययन करेंगे, एडजेक्टिव का स्टडी करेंगे। इसमें सर्वप्रथम हम यह जानेंगे कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं, एडजेक्टिव क्या होता है। तो जानिए, इंग्लिश में जानिए कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड विद ए नाउन टू ऐड समथिंग टू इट्स मीनिंग। क्लियर? वंस अगेन, एक बार पुनः। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड विद ए नाउन टू ऐड समथिंग टू इट्स मीनिंग। हिंदी में देखिए, एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता या गुण प्रकट करता है अथवा उसके अर्थ में कुछ वृद्धि करता है। तो इस तरह से आपने देख लिया कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं। एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं ये देख लीजिए। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव आपके 10 है। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव गुणवाचक विशेषण। नाम से ही क्लियर हो जा रहा है कि किसका क्या रोल है, किसका क्या काम है। प्रॉपर एडजेक्टिव व्यक्ति सूचक विशेषण। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव परिमाणवाचक विशेषण। न्यूमरल एडजेक्टिव संख्यावाचक विशेषण। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव संकेतवाचक विशेषण। तो इस तरह से आप देखिए ध्यान से, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव विभाजन सूचक विशेषण। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव प्रश्नवाचक विशेषण। इम्फेसिजिंग एडजेक्टिव दृढ़ता सूचक विशेषण। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स विस्मय बोधक विशेषण। पॉसेसिव एडजेक्टिव अधिकार सूचक विशेषण। तो इस तरह से जो है आपने 8 विशेषण को, इस तरह से आपने इस विशेषण को देख लिया कि ये 10 विशेषण होते हैं, 10 एडजेक्टिव्स होते हैं। अब हमें एक एक करके इनके बारे में आपको बताना है। सर्वप्रथम मैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के बारे में बताता हूँ। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव गुणवाचक विशेषण। नाम से ही क्लियर है, नाम से ही स्पष्ट है। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव को हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी कहते हैं। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव को एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी कहा जाता है। तो मैंने बताया कि नाम से ही क्लियर है कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव किसे कहा जाता है। देखिए, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्या होता है। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव वे एडजेक्टिव होते हैं जो किसी व्यक्ति वस्तु के गुण दोष का बोध कराते हैं। फिर सुनिए, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी किसी व्यक्ति वस्तु के गुण दोष का बोध कराते हैं, या शॉर्ट में कर सकते हैं कि वे एडजेक्टिव जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष का बोध होता है उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी किसे कहते हैं ये आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं कुछ एग्जाम्पल दे करके बताता हूँ इसे। चलिए एक एक करके बताता हूँ, इसे पहले मिटाता हूँ।
चलिए, तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव को मैंने बताया कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी कहते हैं। या देखिए, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव को एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी कहते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं, मैंने बताया कि वह शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष बताए। देखिए, वह शब्द जिससे किसी व्यक्ति वस्तु के गुण दोष का बोध हो, वह शब्द जिससे किसी व्यक्ति वस्तु के गुण दोष का बोध हो, ठीक है, उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहेंगे। ठीक, चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम समझाता हूँ। जैसे कोलकाता इज अ क्राउडेड सिटी, कोलकाता देखिए, कोलकाता इज अ क्राउडेड सिटी, यहाँ पर क्राउडेड जो है यह एडजेक्टिव है और इस नाउन की विशेषता बता रहा है। चलिए, मोहन इज अ कनिंग बॉय, देखिए कनिंग यहाँ पर एडजेक्टिव है और बॉय की विशेषता बता रहा है। राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। देखिए इंटेलिजेंट यहां पर एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। या महाराणा प्रताप वॉज अ ग्रेट रूलर, प्रताप वॉज अ ग्रेट रूलर। देखिए, तो इस तरह से है आपने देख लिया कि जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है, जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होता है, किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष को बताता है। तो इससे सबके समझ में आ गया होगा कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव किसे कहा जाता है। एग्जाम्पल भी आपने देख लिया। अब हमें आपको आगे बताना है कि जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है, यह दो तरीके से प्रयोग होता है, ठीक है। इसके पहले प्रयोग को हम कहते हैं एट्रीब्यूटिवली और दूसरे को कहते हैं प्रिडिकेटिवली। यह दो प्रयोग होते हैं, तो इसे देख लीजिए। इसके दो प्रयोग होते हैं, ठीक है, इसके दो प्रयोग होते हैं। पहले को एट्रीब्यूटिवली, एट्रीब्यूटिवली
और दूसरे को कहते हैं प्रेडिकेटिवली। तो देखा आपने, इसकी दो प्रयोग होते हैं, एट्रिब्यूटिवली और प्रिडिकेटिवली। ये क्या होता है, यह दो तरह के प्रयोग क्या होते हैं यह जान लीजिए। यह क्या है, एट्रिब्यूटिवली। एट्रिब्यूटिवली क्या होता है जानिए, इस दशा में एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन से पहले किया जाता है। ठीक है, इस दशा में एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन से पहले किया जाता है। एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन से पहले, यानी जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन से पहले होगा तो इसे एट्रिब्यूटिवली प्रयोग कहेंगे। ठीक है, इसे एट्रिब्यूटिवली प्रयोग कहेंगे। नेक्स्ट देखिए, प्रेडिकेटिवली, इस दशा में एडजेक्टिव का प्रयोग वर्ब के बाद होता है। एडजेक्टिव का प्रयोग वर्ब के बाद, ठीक है। यह दो देखा आपने, यह दो प्रयोग हैं, एक प्रयोग को एट्रिब्यूटिवली कहते हैं, दूसरे को प्रेडिकेटिवली कहते हैं। ठीक, हमने आपको बता भी दिया कि एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन से पहले हो तो एट्रिब्यूटिवली कहेंगे, और एडजेक्टिव का प्रयोग वर्ब के बाद हो तो उसे प्रेडिकेटिवली कहेंगे। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं आपको। एट्रिब्यूटिवली और प्रेडिकेटिवली यह भी जानना आवश्यक है, इसे जानिए। सेंटेंस एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताता हूं। जैसे राम इज एन ओल्ड मैन, ओल्ड मैन, ठीक है। योर वाइफ इज माइजर, चलिए अभी समझाते हैं इसे। दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए। दिस इज अ रेड पेन, दिस इज अ रेड पेन। दूसरा देखिए, दिस इज अ रेड पेन। नेक्स्ट, दिस पेन इज रेड, चलिए एक और देख लेते हैं। जैसे रीता इज अ कनिंग गर्ल, कनिंग गर्ल, रीता इज ए कनिंग गर्ल, या सीता इज इंटेलिजेंट, सीता इज इंटेलिजेंट। तो इस तरह से आपने देखा कि जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है यह दो तरीके से कार्य करता है, यानी इसका प्रयोग दो जगह होता है।
एक एक एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन से पहले, यानी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का प्रयोग जब नाउन से पहले होता है तो इसे हम एट्रीब्यूटिव कहेंगे, और जब इसका प्रयोग एडजेक्टिव का प्रयोग वर्ब के बाद होगा तो उसे हम प्रेडिकेटिव कहेंगे या प्रेडिकेटिवली कहेंगे। क्लियर? कुछ भी तो समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर नाउन से पहले प्रयोग किया गया है, करेंगर नाउन से पहले प्रयोग किया जाएगा तो एट्रीब्यूटिवली, और प्रेडिकेट के पहले प्रयोग किया जाएगा तो प्रेडिकेटिवली, यानी वर्ब। देखिए यानी एडजेक्टिव का प्रयोग वर्ब के बाद होगा उस कंडीशन में प्रेडिकेटिवली हो जाएगा। देखिए वर्ब के बाद हुआ है, समझ में आ गया होगा आपके। ठीक है, एडजेक्टिव का प्रयोग जब नाउन से पहले होगा तो एट्रीब्यूटिवली हो जाएगा, जब एडजेक्टिव का प्रयोग वर्ब के बाद होगा तब वह प्रेडिकेटिवली हो जाएगा। तो यह आपके समझ में आ गया होगा। ठीक, तो इस तरह से आपने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को समझ लिया। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। तो इस तरह से जो है हम इसके बाद प्रॉपर एडजेक्टिव के बारे में बताते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव किसे कहते हैं? नंबर टू, प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव को हिंदी में कहा जाता है व्यक्ति सूचक विशेषण। विशेषण प्रॉपर एडजेक्टिव किसे कहते हैं? व्यक्ति सूचक विशेषण किसे कहते हैं यही आपको जानना है। तो ए एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनते हैं। ठीक है, यानी जो प्रॉपर एडजेक्टिव हैं, जो प्रॉपर एडजेक्टिव हैं ए प्रॉपर नाउन से बनते हैं। तो फिर सुनिए, ए एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनते हैं इसलिए इसे प्रॉपर एडजेक्टिव कहा जाता है। फिर सुनिए, ए एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनते हैं इसलिए इन्हें प्रॉपर एडजेक्टिव कहा जाता है। ठीक, तो आप नाउन जानते हैं, नाउन में जानते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। तो जो एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनते हैं उनको हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। क्लियर? चलिए तो देखते हैं, जो एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनते हैं उन्हें प्रॉपर एडजेक्टिव कहा जाता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। तो जैसे देखिए, दिस आर इंग्लिश पीपल, दिस आर इंग्लिश पीपल। देखिए इंग्लिश शब्द आया हुआ है, इंग्लिश पीपल, यहाँ पर जो इंग्लिश है वह एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, और कौन सा एडजेक्टिव है? प्रॉपर एडजेक्टिव है, प्रॉपर एडजेक्टिव यह है। क्लियर? चलिए कुछ और भी रूल बताते हैं। जापानीज टॉयज आर वेरी ब्यूटीफुल, जापानीज टॉयज आर ब्यूटीफुल। तो देखा आपने, जापानीज टॉयज आर वेरी ब्यूटीफुल। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देते हैं, फिर हम आपको एक एक करके समझाते हैं। जैसे नेक्स्ट,
एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में जैसे द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर केम टू इंडिया, प्राइम मिनिस्टर केम टू इंडिया, नेक्स्ट एक आधे एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर केम इंडिया या इंडियन क्रिकेट टीम इज वेरी स्ट्रांग, क्रिकेट टीम इज वेरी स्ट्रांग। देखिए यहाँ में प्रॉपर एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है, इसमें जो है प्रॉपर एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है। दीज आर इंग्लिश पीपुल, इंग्लिश शब्द जो है यह एडजेक्टिव है, इंग्लिश शब्द जो है यह एडजेक्टिव है, और ये कौन सा एडजेक्टिव है, प्रॉपर एडजेक्टिव है। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है, क्योंकि यह प्रॉपर नाउन इंग्लैंड से बना हुआ है, यह प्रॉपर एडजेक्टिव है क्योंकि यह प्रॉपर नाउन इंग्लैंड से बना हुआ है, इंग्लैंड से बना हुआ है इंग्लिश, ठीक है। इसलिए जो इंग्लैंड है वह प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन इंग्लैंड से इंग्लिश बन गया जो प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। जापानी समझते ही हैं, यह जापान से बना हुआ है, जापान जो है यह प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन से जापानीज हो गया, इसीलिए इसको हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं, एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। नेक्स्ट द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर केम टू इंडिया, ब्रिटिश जो ब्रिटिश है यह ब्रिटेन शब्द से बना हुआ, ब्रिटेन, ब्रिटेन प्रॉपर नाउन है, और यह जो प्रॉपर नाउन ब्रिटेन है उसी से बना हुआ है ब्रिटिश, और इसीलिए इसे हम कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। नेक्स्ट इंडियन क्रिकेट टीम समझते ही हैं, इंडियन क्रिकेट टीम जो इंडिया है वह प्रॉपर नाउन, जो इंडिया है वह प्रॉपर नाउन है, और उस प्रॉपर नाउन से इंडियन बन गया है प्रॉपर एडजेक्टिव, और इसीलिए हम इसे प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं क्योंकि यह प्रॉपर नाउन इंडिया से बना हुआ है। तो इस तरह से आपकी समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर एडजेक्टिव किसे कहा जाता है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स, तीसरा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स क्या होता है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स को परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है, परिमाणवाचक विशेषण। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव को क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं परिमाण वाचक विशेषण, परिमाण वाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है यह जानना है। देखिए जिस एडजेक्टिव से
किसी वस्तु की मात्रा या परिमाण का ज्ञान होता है उसे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहा जाता है। फिर सुन लीजिए, जिस एडजेक्टिव से किसी वस्तु की मात्रा परिमाण का ज्ञान होता है उसे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। क्लियर? यानी जो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है हम इसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी कहते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव को एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी कहा जाता है। चलिए, तो मैंने बता दिया आपको कि जिस एडजेक्टिव से किसी वस्तु की मात्रा या परिमाण का ज्ञान होता है उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। जैसे दे ईट सम फूड, दे ईट सम फूड। देखिए यहां पर सम, जो सम है यह क्वांटिटी बता रहा है, यह परिमाण बता रहा है। नेक्स्ट, यू हैव लिटिल इंटेलिजेंस, यू हैव लिटिल इंटेलिजेंस। देखिए यहां पर लिटिल हो गया। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे दे हैव लॉस्ट ऑल देयर मनी, चलिए एक और देख लेते हैं। ऑल, देखिए यह क्वांटिटी बता रहा है। नेक्स्ट, आई हैव एनफ मनी। क्लियर? देखिए तो इस तरह से है आपके ये समझ में आ गया होगा, आई हैव एनफ मनी, मेरे पास एनफ मनी, मेरे पास पर्याप्त पैसे हैं, धन है। तो इस तरह से जो है आपने क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव को देख लिया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को देख लिया, जिससे या जिस एडजेक्टिव से किसी वस्तु की मात्रा या परिमाण का ज्ञान होता है। एग्जाम्पल भी देख लिया। इस तरह से आपके समझ में आ गया होगा। ओके।